हेलो गाइस, मैं विनोद चंद्राकर। आज के इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का बेसिक सा मकसद है कि यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया, उसमें जिस लड़के का AIR 1 है उन्होंने माइनिंग ज्ञान पर एलिगेशन लगाया है कि माइनिंग ज्ञान उसके रिजल्ट को यूज़ कर रहा है, उसके फोटो को यूज़ कर रहा है, और हर जगह ये बताते फिर रहा है कि लड़के ने माइनिंग ज्ञान का पेड कोर्स लिया था और माइनिंग ज्ञान का कोर्स लिया था करके ही उनका सिलेक्शन हुआ है। इस तरह का इल्जाम माइनिंग ज्ञान पर लगाया जा रहा है कि हम हर जगह ये बता रहे हैं कि लड़के ने हमारा कोर्स लिया था और उसके सिलेक्शन का पूरा पूरा क्रेडिट हमको जाता है। एक और किसी कोचिंग का भी उन्होंने नाम लिया कि ये दोनों कोचिंग मिल करके उनके रिजल्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके नाम को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कोचिंग के नेम फेम को बढ़ाने के लिए। इस तरह का कुछ एलिगेशन हम पे लगा। तो सबसे पहला चीज, हाँ, हमने उनके फोटो को और नाम को यूज करा था बताने के लिए कि हम हमारे कोचिंग से पढ़ा है, इनिशियली हमने करा था। लेकिन जैसे ही हमको ये कन्फर्मेशन मिला कि वो हमारे पेड कोर्स से नहीं है, उसके 10 से 15 मिनट के अंदर में जहां भी मैंने फोटो अपलोड किया था उसको डिलीट कर दिया। और अपलोड भी कहां किया था, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड किया था और कहीं नहीं किया था। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में भी जो हमारे पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर में गया था, और एक आते इधर उधर और हुआ होगा, बच्चे लोग अगर फैलाए होंगे तो उसके अंदर हुआ था। जैसे हमको पता चला कि हमारे पेड कोर्स का नहीं, हमने उसको डिलीट करा, नया पोस्टर रिलीज किया। लेकिन बोला ये जा रहा है कि जैसे ही गौरव ने अपना वीडियो अपलोड किया जिसका AIR 1 है, कि उनके रिजल्ट को यूज़ किया जा रहा है, उसको सुन करके माइनिंग ज्ञान ने फोटो को डिलीट किया, जो भी पोस्टर को डिलीट किया और नया पोस्टर रिलीज़ किया। मेरे भाई, जब हमने फोटो अपलोड करा उसका टाइम आप देख सकते हैं, और उसके बाद में जो नया पोस्टर मैंने डाला उसका टाइम आप देख सकते हैं, उन दोनों के बीच में गैप कितना है, डिलीट करने का भी टाइम आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने अपलोड करा, पता चलने के कुछ टाइम बाद में वो डिलीट हो गया था। तो ये बोलना कि गौरव के वीडियो के बाद में मैंने डिलीट किया, तो मेरे भाई जब मैंने फोटो अपलोड किया, डिलीट किया, नया फोटो अपलोड किया, उसके 5 घंटे बाद में ये भाई साहब ने वीडियो बनाया, और वीडियो में बोलता है कि माइनिंग ज्ञान, अरे मेरे भाई डिलीट कर दिया था, नया पोस्टर रिलीज कर दिया था, उसके बाद में जिस तरह का आप वीडियो बनाते, लगता है जबरदस्ती का कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे, उससे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं। अगर मैं जबरदस्ती अभी भी बोलते रहता सबको कि हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा है, हमसे पढ़ा है, तब आप इस तरह का एलिगेशन लगाए समझ में आता है। फोटो को डिलीट करने के बाद, नया पोस्टर रिलीज करने के बाद, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्लियर कर दिया, दिस स्टूडेंट नॉट बिलोंग्स टू अवर इंस्टीट्यूट। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें अपलोड किया था, जिन्होंने भी बोला उसको मैंने बता दिया, और वीडियो आपने अपलोड किया 6 घंटे बाद, ये बोलते हुए कि मैं सब जगह बताते फिर रहा हूँ या हमारा इंस्टीट्यूट सब जगह बताते फिर रहा है कि हमारा स्टूडेंट। मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, किसी के ऊपर कीचड़ उछाड़ने से पहले, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर कोई बोल सकता है कि ठीक है सर, मान लिया कि आपने फोटो अपलोड किया, AIR 1 और 2 आपके कोचिंग से है करके, जब आपको पता चला कि AIR 1 आपके इंस्टीट्यूट का नहीं है, आपके पेड कोर्स से बिलोंग नहीं करता, तो आपने फोटो डिलीट कर दिया और ग्रुप में ये भी कहा कि ये हमारे इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करता, और फिर एक नया पोस्टर आपने रिलीज़ किया, ये चीज़ को चलिए मान गए। लेकिन सर, ये पोस्टर रिलीज़ ही क्यों करता? आपने इनिशियली जो AIR 1 और 2 को अपने इंस्टीट्यूट का है ये दावा जो करा, वो दावा ही क्यों आपने किया? ये कन्फ्यूज़न आया कहाँ से? तो ये कन्फ्यूज़न आने का रीज़न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। किन भाई साहब से मेरा बात हुआ, इन्होंने उस दौरान क्या कहा कि सर, आपके वीडियो ने बहुत हेल्प किया तो मुझे लगा कि हमारे बच्चे हैं। फिर मैंने उनको बकायदा सर्वे फॉर्म भी भेजा कि देर इज़ ए स्मॉल गिफ्ट फॉर अवर अचीवर्स कर, और अचीवर्स का मतलब ये होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से जिन्होंने कुछ अच्छा रैंक लाया उसको हमारी तरफ से एक छोटा गिफ्ट मिलता है। तो ये सारा कन्वर्सेशन हुआ था, हालांकि उन्होंने उस सर्वे फॉर्म के अंदर में मेंशन किया था कि उन्होंने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया था, कोई भी पेड कोर्स में इनरोल नहीं थे। ये मेरे इंड पे ही गड़बड़ हुआ कि मैंने एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए था कि एक्चुअल में हमारा स्टूडेंट है कि नहीं फोटो अपलोड करने के बाद। जैसा गौरव ने भी बताया कि सर, एक बार पूछ लेते हैं मुझसे फोटो अपलोड करने से पहले कि हम सब मेरा परमिशन ले लेते, अगर परमिशन ले लेते तो मैं फोटो अपलोड करने दे देता। तो मेरे भाई, जब पूछ लेता या मुझे पता ही होता कि आप मेरे बच्चे नहीं हो तो मैं क्यों फोटो अपलोड करता? आपसे पूछ के जबरदस्ती थोड़ी अपलोड करता। कन्फ्यूजन तो वहाँ हुआ ना कि मैं अपना स्टूडेंट है करके आपका अपलोड किया। आप पूछने का स्कोप वहाँ बचता है जहाँ आप कुछ गलत करना चाह रहे हैं। अपने स्टूडेंट का फोटो दिखाने के लिए हमको क्या ही परमिशन लेना है? जो कन्फ्यूज़न मुझे उस टाइम पे था,
जब हमारा ही स्टूडेंट है तो फोटो डालने के लिए क्यों पूछना है, और जब पता है मुझे हमारे स्टूडेंट नहीं है फिर भी क्यों पूछना है, जब डालना ही नहीं है फोटो तो क्यों पूछना है। दूसरे जब आप हमारे पेड कोर्स में इनरोल नहीं है तो परमिशन लेने वाला बात है तो भाई साहब को बोलना है, एक बार पूछ लेते। तो फोटो तो छोटा मोटा चीज़ है सर, फोटो डलवाने मुझे क्या ही दिक्कत था, लेकिन एक बार पूछ लेते। और देखो दूसरा मेरा और कन्फ्यूजन का बढ़ रहा, एक तो मैंने मेरा इनके साथ कन्वर्सेशन, दूसरा कोचिंग में देख सकते हैं टोटल 5 गौरव नाम के लड़के हैं, जो जब मैं क्लास लेता था या दूसरे फैकल्टी क्लास लेते थे तो गौरव नाम के 2-3 लड़के एक्टिव रहते थे। तो ये 5 गौरव है तो एक बड़ा माइंडसेट मेरे, जिस दिन मैंने रिजल्ट देखा उसी दिन लगा एक कोई ना कोई गौरव में से ही एक लड़का होगा, तो दिमाग में था ही। 350 बच्चे जिन्होंने ज्वाइन करा था उस 350 में से 5 गौरव नाम के थे, इसलिए भी एक हुआ। तो कोई नहीं, जो गलती हुआ उसको हमने सुधार भी लिया, डिलीट भी कर दिया, हर जगह से हटा भी दिया, और बहुत ज़्यादा ऐसा अपलोड किया नहीं था या व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड किया था। दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि लड़के ने बोला कि भाई साहब सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्लियर होता है, सेल्फ स्टडी से भी गवर्नमेंट जॉब लगता है, सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट, सेल्फ स्टडी से भी आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैं भाई तुम्हारे बात से 100% सहमत हूँ, आराम से आप सेल्फ स्टडी करके गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रैंक ले ला सकते हैं, AIR 1 भी ला सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं, हर कोई सहमत होगा यार, ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मैं गेट की ही बात करूँ, एक्चुअली मैं गेट का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं ज़्यादा जाना जाता है गेट के लिए। तो गेट की मैं बात करूँ तो हमारे इंस्टीट्यूट से जो बेस्ट रैंक है वो 9th रैंक है, 2 लोगों का 9th रैंक आया है इस बार का गेट 2023 के एग्जाम में। लेकिन जो AIR 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो 1 से लेके 6 तक का जो रैंक है उन्होंने सेल्फ स्टडी करके लाया है, अपने दम पे लाया है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। तो सेल्फ स्टडी करके भी जो टॉप रैंकर्स हैं वो सेल्फ स्टडी करके आए हैं, आराम से ला सकते हैं, सेल्फ स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ला सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैंने एक वीडियो में एग्जांपल देके बताया था कि जब पहले ट्रैक्टर या हार्वेस्टर नहीं भी हुआ करता था तब भी लोग खेती करते थे और बढ़िया उत्पादन करते थे, लेकिन ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के आने से क्या हो गया, उनका खेती आसान हो गया, जितना मेहनत पहले लगता था, जितना टाइम पहले लगता था उससे कम टाइम में वो खेती कर पा रहे हैं आसानी के साथ। कोचिंग का यूटिलिटी ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसा ही है, खुद से भी आप कर सकते हैं लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने से आपका काम आसान हो जाता है, आपके हिस्से का काम कोचिंग करके दे देता है, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोचिंग आपको बता देता है, आपको करना बस रहता है, कोचिंग जो जो चीज़ें करा रहा है उतना करना रहता है, तो कहीं ना कहीं आपके काम को आसान करने का काम कोचिंग करता है। जो आपका कोचिंग है, जो आपके टीचर्स है, जो आपके मेंटर्स है, वो कहीं ना कहीं उस फेज से गुजर चुके रहते हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, कोई रेगुलेशन पढ़ा रहा है, कोई एक्ट पढ़ा रहा है, कोई मेथड ऑफ वर्किंग पढ़ा रहा है, तो अगर वो पढ़ के भी पढ़ा रहा है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड ला के आपके हिस्से का काम आपको करके दे रहा है कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ से पढ़ना है आप करके आपको दे रहे हैं, तो चीज़ें आपका आसान बनाता है। जिस एग्जाम को आप 10 घंटा पर डे पढ़ करके आप क्लियर करने वाले थे, उस एग्जाम को आप हो सकता है 2-2.5 घंटा दिन में पढ़ के आप क्लियर कर ले अगर आप किसी का हेल्प ले लेते हैं। कोचिंग से आपके स्टडी को एक डायरेक्शन मिल जाता है, कोचिंग से आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, हेल्दी इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स आपके साथ में पढ़ते रहते हैं, आपके साथ में मॉक टेस्ट देते हैं, कॉम्पिटिशन का एहसास आपको हर दिन का होते रहता है, अकेले पढ़ने में वो फीलिंग नहीं आता है। तो ये छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो कोचिंग से मिलते हैं, जो सेल्फ स्टडी में आपको दिक्कत होता है। सेल्फ स्टडी में आप थ्रू आउट द लेन मोटिवेटेड नहीं रहते, सेल्फ स्टडी में आपको एग्जाम और कॉम्पिटिशन का एहसास नहीं होता, खुद में लगता है कि मैं ही तोप हूँ, कोचिंग से वो एहसास होता है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं। कोचिंग से जो हमारा ऑफिशियल, जैसे मैं पर्सनल माइनिंग यान की बात करूं तो हर कोर्स का एक पर्सनलाइज्ड ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ भी डाउट आया आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, फैकल्टी को पूछिए, पूछने के लिए आपके पास एक सहारा रहता है जब आप कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, फैकल्टी आपका हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, खुद से पढ़ने में ये चीज़ नहीं होता है। अगर 10 आपको डाउट आया, उस 10 डाउट को क्लियर करने के लिए आपने खुद ने मेहनत करना है, यहाँ पे आपके हेल्प करने के लिए लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये बेनिफिट है मेरे भाई, बाकी खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा चीज़ मैं आता हूँ, लोगों ने ये बोला कि भाई कोचिंग को धंधा बना लिए, सब पैसा कमाने के लिए बात हो रहा है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या लोगों ने लिख के भेजा था।
मैं आपको बोलूँगा भाई पैसा कमाने के लिए अगर कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगर यही मानते हो तो खुद कर लो ना, खुद कर लो। आपका माइंड सेट ये बना हुआ है कि चीज़ें सब चीज़ फ्री में दे, फ्री में दे, कि जो भी है फैकल्टी अपना जॉब छोड़ दे, फैकल्टी अपना सब कुछ छोड़ दे, टीचर अपना सब कुछ छोड़ दे, आपके लिए काम करे लेकिन फ्री में काम करे, जो पैसा ले रहा है वो कमाने के लिए कर रहा है। मेरे भाई जो UPSC कोर्स की बात हो रही है ना, उस कोर्स का मैक्सिमम स्टूडेंट, जो 350-400 बच्चे हमको ज्वाइन किए थे, उस 350-400 में से मैक्सिमम बच्चों ने 1000-1200 रुपये में कोर्स को ज्वाइन किया था। एक बार आप सिलेबस देखिए, उसमें माइनिंग के लगभग जो आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा सब था, चाहे वेंटिलेशन हो, मेथड ऑफ वर्किंग हो, का सर्वेइंग हो, रॉक मैकेनिक्स हो, सब था, लेजिस्लेशन। फिर इसके अलावा नॉन टेक्निकल में आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंडियन GS, इंटरनेशनल GS, कल्चरल, उसके अलावा UP का जो GS था वो अलग से था, और हिंदी का भी कंटेंट था, हिंदी में भी आपका पूरा पूरा उसमें दिया हुआ था एग्जाम, लंबा चौड़ा सिलेबस था। इन सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक पूरी तरह से हमने कवर करके दिया ज़्यादातर बच्चों को 1200 रुपये। मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराया, क्लासेस भी लिया, स्टडी मटेरियल भी दिया, मात्र 1200 में। अगर बोले यार सर फ्री में देना था, इतना क्या पैसा लेना है, इतना क्या कमाना है, अरे भाई खुद करवा दो ना फ्री में। जो 750 से ज़्यादा आज का जो क्लास हुआ है खुद करवा लो, एक बार करके देखो भाई, जो हवे में बात कर लेते हो ना, हवे में बात करने से पहले खुद एक बार मेहनत कर लो यार। देखो माइनिंग का दुनिया बहुत छोटा है, माइनिंग में बाकी सारे ब्रांच जितने बच्चे नहीं हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो माइनिंग में पढ़ते हैं, और कम ही लोग हैं करके इसमें कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, माइनिंग के लिए कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, माइनिंग के लिए ज़्यादा कोई स्टडी मटेरियल प्रिपेयर नहीं करता, माइनिंग के लिए कोई अच्छा बुक नहीं मिलता, क्योंकि परचेस करने वाले या पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम हैं, इसलिए कोई इधर ज़्यादा फोकस नहीं करता। ऐसे माहौल में कुछ लोग हैं जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आज से 3-4 साल पहले माइनिंग का कोई कंटेंट नहीं मिलता था, माइनिंग के कोई भी टॉपिक पे आप अगर वीडियो लेक्चर सर्च करते थे यूट्यूब में कुछ नहीं मिलता था, हम जिस टाइम पे कॉलेज में पढ़ते थे, स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था, सीनियर के स्टडी मटेरियल से या सीनियर के नोट्स से हम एग्जाम निकालते थे। आज मिल रहा है, आज आपके लिए कुछ लोग हैं जो काम करना चाह रहे कर रहे हैं, चाहे वो माइनिंग ज्ञान हो, मेरिट प्लस हो, माइंड गेट हो, माइनिंग प्लस हो, ब्लैक डायमंड हो, माइंड पोर्टल हो, कोई भी हो, सब आज आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो। कम से कम कंटेंट तो माइनिंग वालों के लिए मिल रहा है जो आज से 3-4 साल पहले नहीं मिल रहा था, अगर मिल भी रहा था तो बहुत ज़्यादा फीस दे के मिल रहा था। आज आपको 1000-1200 रुपये में पूरा कोर्स मिलता है, कोई बात नहीं, जिसको सेल्फ स्टडी करना करे ना भाई, हर किसी के लिए सेल्फ स्टडी पॉसिबल नहीं होता है। कोई है जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उनको जरूरत पड़ती है गाइडेंस की, उनको जरूरत पड़ती है प्रॉपर डायरेक्शन की, तो उनके लिए कम से कम तो मिल पा रहा है ना। तो यार प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करता है। आप लोग भी इस तरह से निगेटिव कमेंट करने लग जाएंगे, मेरे भाई क्या क्या ही है, क्या ही है टीचर्स की दुनिया। माइनिंग यानी टोटल 35-40 फैकल्टी है जो मिलकर काम कर रहे हैं, 35-40 फैकल्टी है। जिन्होंने UPPC का कोर्स करा उनको पता होगा कि एक कोर्स के अंदर में कितने सारे टीचर्स इन्वॉल्व थे, जो गेट का कोर्स कर रहे हो उनको पता है कि एक कोर्स के अंदर में कितने लोग इन्वॉल्व है, एक पूरा टीम है जो वर्क कर। मैं नहीं बोल रहा हूँ हम परफेक्ट है यार, कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कमियाँ होती है, लेकिन हम कर तो रहे हैं। तो जो खाली बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो भाई, मेरे डिमोटिवेट मत करो यार, कोई कर रहा है उसको करने दो, सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम डीमोटिवेट तो मत करो मेरे भाई। तब पता नहीं थोड़ा सा यार है कि उटपटांग सा लग रहा था, पता नहीं इतना मेहनत करने के बाद में इस तरह के चीज़ें आए तो थोड़ा अजीब लगता है, और हमें सेटिस्फेक्शन है कि कोचिंग से कई सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, कोचिंग से बहुत सारे लोग को बेनिफिट हो रहा है, तो जिनको लगता है कि हेल्प मिल रहा है वो जुड़े हमसे, फीस का कोई इशू नहीं है यार, अगर किसी को दिक्कत भी है तो बताओ, ठीक है, फीस वैसे भी कम है, अगर उसमें भी किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे पाएंगे बताने का है, ठीक है, काम कर रहे हैं, कुछ है जिनको दिक्कत है कोई बात नहीं भाई, लेकिन बहुत सारे हैं जो दिल से हमको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला ही था एक्चुअली, फ्री कंटेंट इन्होंने यूट्यूब में देखा था, उसी का उन्होंने मैसेज कर 0.1% क्रेडिट ही सही दिया तो सही, तो हमारे मेहनत से अगर 0.1% भी किसी को हेल्प मिल रहा है तो हमें लगता है हमारा मेहनत सार्थक है। कम से कम 0.1% हेल्प तो हम दे पा रहे हैं,
तो सपोर्ट करें, सिर्फ माइनिंग ज्ञान को नहीं, हम जैसे जितने भी सारे एजुकेटर्स हैं जो माइनिंग वालों के लिए वर्क कर रहे हैं। माइनिंग की दुनिया छोटी है, आपका अगर जॉब लग गया है तो आपके नीचे आपके जूनियर्स भी हैं जो तैयारी करने वाले हैं, आगे करेंगे। को सजेस्ट करें, बताएं क्या है, कैसे है, जो भी आपको लगता है उनके लिए बेस्ट पॉसिबल रास्ता क्या हो सकता है, सजेस्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच। ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो शायद, कोई नहीं, एक्चुअली मेरा आदत है थोड़ा ज़्यादा बोलने का, तो जो बातें अच्छी लगे भाई सुन लेने का, जो उटपटांग लगे छोड़ देने का, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाने का। जैसे इन्होंने भी भाई साहब ने बताया कि फ्री कंटेंट से पढ़ा, आगे भी आपको कई सारा फ्री कंटेंट मिलते रहेगा, हो सकता है ऑलमोस्ट सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा माइनिंग यानी यूट्यूब चैनल के अंदर में। अभी भी कितना 600 के आसपास वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है, ऐसा भी नहीं कि 2-4 मिनट का वीडियो अपलोड किया, एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो ज़्यादातर जो अलग अलग टॉपिक पे है। माइनिंग सरदार के कुछ वीडियो हैं, कुछ गेट के वीडियो हैं, कुछ माइनिंग इंस्पेक्टर के वीडियो हैं, तो फ्री में भी कई सारा चीज़ अवेलेबल है। कोई बोलोगे अरे सर यूट्यूब से तो कमाते हैं, मेरे भाई यूट्यूब से बहुत ज़्यादा, माइनिंग वालों के तो कम से कम यार इतने कम बच्चे हैं, तो थोड़ा सेंसलेस बात करना बंद करके बेटर है कि आप जो चीज़ें मिल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए। अगर माइनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए वीडियो आता रहेगा। टाइम आएगा जब आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी। अभी क्यों नहीं मिल पा रहा यार, 35-40 लोगों का टीम है मेरे भाई, सबको मैनेज करना, तो यार ये और बात है कि आपको जो गेट का कोर्स पहले 50,000 में मिलता था, आज आपको 3,350 रुपये में मिल रहा है, तो माइनिंग ज्ञान करके दे रहे हैं। उसका भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा लोगों का भरोसा माइनिंग ज्ञान के साथ जुड़ा है। आज 12,000 से ज़्यादा कोर्स 25 माइनिंग ज्ञान पे है, 13,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टूडेंट माइनिंग ज्ञान पे है, तो ये चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करता है, अच्छा है। बहुत सारे सपोर्टर्स है जिनके दम पे हमारा इंस्टीट्यूट चल पा रहा है, हमको मोटिवेशन मिल रहा है, फैकल्टीज को मोटिवेशन मिल रहा है, जो कुछ करने का जज्बा जो अंदर से आता है। कुछ लोग हैं जो निगेटिव वाले भी हैं, तो कोई बात नहीं भाई, हाथी चले बाजार, कुत्ता भोंके हजार।